दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। दोस्तों भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त से 2-4 तो क्या ही है, लेकिन मैच के बाद ऐसा काम कर दिया है कि पूरे अफगानिस्तान के दिल जीत लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान का अपनी तारीख में पहला टेस्ट मैच इंतहाई तकलीफ दे रहा, जिसका फैसला दूसरे रोज ही हो गया और भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग और 262 रन से शिकस्त दे दी। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान ने एक ही रोज अपनी इनिंग खेले और भारतीय बाउलर्स ने दोनों इनिंग की बिसात ही लपेट दी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अपनी पहली इनिंग में 474 रन बनाए, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम एक ही दिन में 2 बार आउट हो गई। जुमा को मैच के दूसरे दिन खेल के आगाज से कबल अफगान टीम ने रिवायती लिबास पहने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। तहम बाद में जब खेल का आगाज हुआ और अफगानिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो इसकी पहली इनिंग 109 और दूसरी इनिंग 103 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की जानिब से कोई भी बल्लेबाज बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहा, जबकि भारत की जानिब से रविन्द्र जडेजा ने मैच में 6 जबकि अश्विन ने 5 विकेट हासिल किए। इससे कबल भारत ने अपनी पहली इनिंग में जारहाना बल्लेबाजी करते हुए 474 रन बनाए। ओपनर मुरली विजय ने 105 और शेखर धवन 107 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ओपनर्स ने पहली विकेट की शराकत में 168 रन बनाए, जबकि बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने हरदीप पांड्या ने 74, के.एल. राहुल ने 54, पुजारा ने 35 जबकि अजिंक्य रहाणे ने सिर्फ 10 बनाए। मैच के इख्तितामी तकरीब के बाद जब भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो बनवाने के लिए जमा हुई तो भारतीय क्रिकेटर रावनी ने अफगानिस्तान की टीम को अपने साथ बुला लिया और यू ट्रॉफी के हमराह पूरी अफगानी टीम ने भारतीय टीम के साथ मिलकर ग्रुप फोटो बनवाया। रावनी के इस अमल ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तानियों के दिल में घर कर लिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको भारतीय टीम का ये रवैया, अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करें, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब।